हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव डहरिया। तो मैं इंडियन आर्मी के लिए गया था रैली में, छत्तीसगढ़ का। मैं छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट हूँ। मेरा वैसे तो नहीं हुआ मतलब रेस क्लियर, लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। सारी मतलब बात आपको जाना है, क्या क्या वहाँ पर गलती नहीं करनी है, कैसे कैसे करना है, सारी चीज़ें क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको रनिंग क्लियर करने से पहले लगते हैं, कितने बजे आपको एंट्री होना चाहिए, आपको कैसे दौड़ना चाहिए, आपको किस तरह से जो फर्स्ट वाला है होता है वो मिलेगा, आगे आप कैसे लग सकते हैं, इनके बारे में, सभी के बारे में इस वीडियो में क्लियर से विस्तार बात करने वाले। तो पहले बात करते हैं, ये है मेरा एडमिट कार्ड। तो पहले आप लोग जैसे ही गेट में घुसेंगे, वहां पर ही घुसने के लिए हजारों बंदे की भीड़ होती है उस टाइम पे, मतलब वहां पर भी आप लोगों को आधा घंटा लग जाएगा आप लोगों को घुसने टाइम, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। उसके बाद आप लोगों को जाना है, मतलब बहुत लोग दौड़ते दौड़ते जाएंगे, आप रेंगते भी जा सकते हैं, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जाओगे। उसके बाद 5-6 से बांस का मतलब डिब्बा टाइप बना होता है, इस डिब्बे में भरा जाता है पहले, उसके बाद दूसरे में, उसके बाद तीसरे में, उसके बाद उस टाइम एकदम किच किच करके भरवाया जाता है। बहुत ज्यादा कम जगह होता है आप लोगों के पास, उसमें बैठना है, उसमें करीबन आपको लग जाएगा 40 मिनट, 40 मिनट से 1 घंटे आपको वहां पर बैठना है। फिर वो जो वहां पर बैठने के बाद आप लोगों को बोला जाएगा, वहां पर वैसे बाथरूम की व्यवस्था होती है। उसके बाद आप लोग जूता उता वहां पर छोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग बैग पकड़ के, आप लोगों को जब कहा जाएगा तो आप लोग जाएंगे हाइट के लिए, मतलब वहां पर से नेक्स्ट स्टेप जहां पर आपका हाइट चेक होता है। और जैसे ही आप लोगों का हाइट चेक होगा, उसके आगे में ही है जहां पर ये एडमिट कार्ड का ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर, इसे स्कैन किया जाता है। फिर स्कैन करने के बाद वो लोग ऐसा सही का टिक लगाते हैं कि ये ओरिजिनल एडमिट कार्ड है। उस सिग्नेचर के बाद आप लोगों को और आगे जाना है। उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में बिठाया जाएगा, मतलब ग्रुप बनाया जाएगा, जैसे कि 200-250, हमारे जो ये थे ना उसमें करीबन 250 बंदे, 250-300 बंदे का ग्रुप बन रहा था। आपको ग्रुप से बैठाएंगे, वहां पर भी बाथरूम वाथरूम की व्यवस्था होती है, वहां पर आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन जब आप लोगों का सब ग्रुप बन जाए ना, उसके बाद जा करके, ऐसा नहीं कि आपका ग्रुप बन रहा है आप चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर कई बहुत लोग चले जाते हैं, तो उन लोगों को वहाँ पर आते हैं फौजी भाई, डांटते हैं, करते हैं डंडा लेकर के ऐसे ऐसे, लेकिन वो लोग थोड़े अच्छे थे हमारे वाले, जो मार नहीं रहे थे, ऐसे डंडे डंडे कर रहे थे लेकिन नहीं मार रहे थे, चलो भागो कह दे रहे थे। उसके बाद आप लोग का ग्रुप बन गया। फिर ग्रुप बनने के बाद आप लोगों को वहाँ पर जितना टाइम वो लोग दौड़ाएंगे उतना टाइम तक आप लोग वहीं पर रहेंगे। उस टाइम आपको अपना फिर से, अगर आप जूता पहन के दौड़ रहे हैं तो जूता पहन के दौड़ सकते हैं, लेकिन वो जो मैदान है ना जो दुर्ग का, वो मैदान भाई जूते के लायक तो नहीं है, वो खाली पैर वालों के लिए एकदम बेस्ट है। मैंने भी खाली पैर मारा, सभी लोग वहाँ पर 90% लोग खाली पैर ही मार रहे थे, खाली पैर के लिए एकदम मस्त ग्राउंड था। उसके बाद जब वहीं पर आप लोग अपना जो भी नाश्ता वास्ता टाइप लगे होंगे खाने के लिए, केला वेला वो खा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग अगर ऐसे ही कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं खाना है कि आपका वेट बढ़ जाए, मतलब कि उस खाने में भी और आप दौड़ ना पाए, मतलब ऐसा होता है बहुत बार यार कि खाने की वजह से पेट वेट दर्द कर देता है, या फिर जो भी, बहुत कम खाएं। मैं तो कहूँगा जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से, एक आप केला या फिर कोई चॉकलेट लेगा होगा तो, और वो जो होता है ग्लूकोज जैसा पानी, एनर्जी, उसे एक दो घूंट कभी कभी पी लीजिएगा। और दौड़ने से पहले तो एक घूंट पानी जरूर, मतलब आधा घूंट पानी जरूर पी लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम मुंह नहीं सूखता आप लोगों का वो, लेकिन दौड़ने से पहले होता है यहाँ पर। उसके बाद आपको लेके जाएगा, फिर वहां पर आपको मैदान के, हम लोग पांच में पांचवा ग्रुप में था उस दिन का,
तो हम लोग चार ग्रुप अंदर चले गए थे। वहां पर मैदान के जो बाहर होता है ना एंट्री में एयर ग्राउंड का, वहीं पर हम लोग को पहले बैठा दिए थे। उसके बाद रनिंग हुआ दो दो ग्रुप का, उसके बाद हम लोगों को वहां पर अंदर लेगा। तो उस टाइम क्या होता है कि जब आप एंट्री पॉइंट पर खड़े हो ना मैं ग्राउंड के, उस टाइम आप लोगों को ऐसे बैठा देते हैं और दौड़ होता रहता है। और उसके बाद आप लोग सोचते होंगे कि ये देखिए एंट्री पॉइंट है, इस तरह से मान लीजिए कि इधर एंट्री पॉइंट है तो इधर इतने में लोग बंदे बैठे हैं, तो आप सोचेंगे कि इस तरफ से ऐसे बैठ जाते हैं मतलब कि तो हम लोग को पहले लेके जाएंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो इस तरफ के जो बंदे होते हैं ना, मतलब ये पूरा लाइन इस तरह से होता है, सब आकर के इस तरह से बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को इस तरह से नहीं बैठना है, आप लोग को इस तरह से बैठना है, मतलब ये पूरा लाइन एक बार में जाता है, मतलब आपका जो डेरी है ना लेफ्ट हैंड उस तरफ इस तरफ ही रहना है पहले वाले में, तो आप लोग पहले में मतलब आ सकते हैं। यहाँ पर आके दिखानी है आप लोग को, इस तरह से नहीं, आप लोग को इस तरह से लाइन में खड़े होना है, मतलब लेफ्ट हैंड वाला साइड में जितना आप रहे कर सके। मैं तो कहूँगा वो जो पहला एम होता है ना उसी में आप रहे, मैं भी उसमें पहला एम में ही था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा बंदे इस तरह थे, मतलब जो सोच रहे थे कि हम पहले जाएंगे तो हम पहले लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो फिर यहाँ से मैं यहाँ आखिरी में था, करीबन आखिरी में एकदम लास्ट में। तो फिर यहाँ पर थे वही कुछ 30 बंदे, तो जैसे ही उन लोगों ने बोला कि चलो जाओ, तो फिर मैं यहाँ से भाग करके गया। और जो मैदान के जो होता है ना जहाँ पर बैठने का होता है, वहाँ पर करीबन मैं उन 30 लोगों में से 5 लोगों में, 5 लोगों के अंदर में आ गया, 25 लोगों को काट करके दौड़ गए। वैसे ही आपको ग्राउंड के बाहर से, आप ग्राउंड में जब जा रहे हो ना उस टाइम आपको फुल जोर लगा देना है कि आप लोग पहले में जाएं, क्योंकि ग्राउंड में अगर आप लोग जैसे जाते हैं ना तो ये मत सोचना कि ग्राउंड में के अंदर से जब हम लोगों को बोला जाएगा कि जाओ वहां पर जा करके लगाओ तो हम लोग वहां पर स्पीड भाग करके लग सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं। वहां पर भी लाइन बनी होती है, उन लाइन को उठाते हैं, आप आखिरी लाइन में होंगे तो आपको आखिरी में ही होंगे। दो चार लोगों से आप अगवा सकते हैं वहां पर, ज्यादा लोगों से नहीं। तो जब आपको मैदान में जा रहे हो उस टाइम के पे आपको ज्यादा जोर लगाना है और आपको अगवाना है। तो हो गए, फिर उसके बाद आता है मैदान में पहुंचने के बाद वहां पर आपको बिठाया जाता है। और जो पहले भाई दौड़ रहे थे पहले हमसे लोगों से पहले वाले ग्रुप में, हम लोग वहां पर पहुंच चुके थे अंदर। तो वहां पर हर बार आप लोगों का एनर्जी खर्च और थोड़ा गर्मी देने के लिए, और फौजी भाई ताली बजवा रहे थे मतलब कि, और जिससे थोड़ा गर्मी मिले शरीर। फिर आप लोगों का जिस टाइम बारी आएगा उस टाइम, और आप लोग के बहुत बहुत ज़्यादा बैग जो होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, तो ऐसे ही बहुत लोगों के जो बैग थे वो सिमिलर होने की वजह से किसी और का बैग कोई दूसरा ले गया, ये बात जब होती है तो अच्छे से चेक करके, और बैग के ऊपर भी आप लोग कुछ रख लीजिएगा अपना कपड़ा वपड़ा, जिससे आपको पता चले कि यही बैग आपका ही है, कोई दूसरा मत पकड़ के ले जाए। फिर वहां पर जो लाइन होते हैं 5 7 8 लाइन में वहां पर मत बिठाया होता है 250-300 बंदों को, उस लाइन में से जो पहला लाइन होता है उसे पहले उठाया जाता है। फिर आप लोग खड़े होंगे, ऐसे हाथ खड़े कीजिए, फिर ऐसे ही भागते भागते आपको जाना है मैदान जहां पर आप लोगों का ट्रैक है, वहां पर आप लोगों को बिठाया जाता है। उस टाइम आपको फुल स्पीड में ही भागना है उस टाइम भी। और जा करके जो मेरे पांचवे में थे ना वो लोग जो पहले वाले लाइन में थे उन लोगों के पास दिमाग देखिए, जो इस तरफ का जो लाइन है वो कम पड़ता है इस तरफ का ज्यादा, तो वो लोग ये बीच में बैठे थे, बीच में सब लोग, यकीन नहीं मैं थोड़ा दूर में था फिर भी मैं आ करके इस तरफ जो पहला वाला था वहां पर बैठा हूँ, जो कि इस जगह बहुत अच्छा होता है बहुत, और ये जो बीच बीच होता है यहाँ पर ज्यादा 400 मीटर से ज्यादा पड़ जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो वो सब आपको पता है ये मैं। उसके बाद जब रनिंग स्टार्ट होता है तो हमारे छत्तीसगढ़ में मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग बात करते करते गो बोल देते हैं, यहाँ पर वो लोग अच्छे से मतलब बोले कि कुछ भी हो जाता है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग अपने मन से ही दौड़िए, आपके लिए ही दौड़िए, कह के थोड़ा बोले और थोड़ा मोटिवेट भी किए। उसके बाद उनका जो था
बोले कि आप लोग सब रेडी, तो हमने बोला यस सर, उसके बाद तो गो बोले ऐसे करके, मतलब कोई जल्दी से ही बातों में फंसा करके गो नहीं बोला, आराम से बोला गया हम लोग के हे में, तो हफ्ते में हो सकता है कि गो बोल दें, कुछ फिक्स नहीं, तो अपना यह जमा करके रखिएगा कि इससे गो बोलते ही आप दौड़ पड़े, ऐसा नहीं कि गो बोला है गो बोल दिया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। फिर वहां पर जो मुझसे गलती हुई, मैं क्या क्या मैं फर्स्ट में था, तो फर्स्ट में मैं करीबन 1 किलोमीटर तक था दूसरे नंबर पे चल रहा था, मतलब पहले जब स्टार्ट हुआ उस वक्त मैं करीबन 200 मीटर फर्स्ट में था पहले में, और एक राउंड तो 1 मिनट में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड, एकदम तबाही वाला। फिर 2.5 राउंड तक, उसके बाद मेरी एनर्जी थोड़ी कम होती गई, मतलब ऐसा मार दिया था कि जैसे कि 1 राउंड नहीं मारते एकदम फुल स्पीड में, उसके बाद एनर्जी पूरी लॉस्ट हो जाती, उस तरह से 2.5 राउंड, फिर मेरा एनर्जी थोड़ा कम होने लगा, तब भी मैंने बना ही रहा, लेकिन जो और थे जो बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रो बंदे की तरह थे, वो लोग मेरा एनर्जी खत्म हो गया था, वो लोग एक बराबर मारते थे, तो वो लोग पहले तो पीछे थे, लेकिन वो आखिरी राउंड तीसरे चौथे राउंड में भी वो लोग सब एक बराबर ही मारते हैं, तो वो लोग एक बराबर मार करके मुझे काट काट के बहुत लोग चले गए। करीबन मैं 27-28 बंदों के बीच में था, करीबन 250 बंदों में, करीबन मेरे पीछे थे 120-125 बंदे मेरे पीछे होंगे जिस टाइम। और जो क्या हुआ कि मैं 3-4 सेकंड से ही रह गया, मतलब उस टाइम, लेकिन मैं पूरा फुल जोर लगाया था, मैं तीसरे राउंड के बाद तो एनर्जी ही नहीं थी मुझ में दौड़ने की, फिर भी मैं आखिरी राउंड में तो मैं किसी बहुत, लेकिन बहुत बंदे थे जो स्प्रिंटर थे, मतलब आखिरी राउंड में एकदम फास्ट मारते हैं, और मेरे पास एनर्जी नहीं थी, लेकिन मैं दौड़ रहा था जितना भी एनर्जी बचा करके जो बन पा रहा था। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा गैप भी बन गया था मेरे आगे वाले से, तो जैसे ही मेरे आगे वाला जो निकला ना, उसके बाद रस्सी खींच दी गई, और दो फौजी भाई आए और उन लोगों ने ऐसे पकड़ लिया, अब चलो चलो गए, उसके बाद उन लोग निकल गए, और मैं वही 3-4 सेकंड से ही रह गया, मतलब 3-4 सेकंड पहले पहुँच जाता तो मेरा हो गया था। और 3-4 सेकंड वो जो 2 राउंड पूरा फास्ट दौड़ दिया था, तो तीसरा चौथा में थोड़ा अल्लाह यह पड़ गया था, इसीलिए मतलब थोड़ी ये हो गई। तो आप जैसा दौड़ते हैं घर में गांव में वैसे ही यह कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग पहले में लगे हैं तो एकदम फास्ट, आप लोग कम से कम पहले दो राउंड में तो 50 बंदों के बीच में ही रहना है, ये नहीं कि आप लोग काट करके आगे जाएं, नहीं बिल्कुल नहीं, आप लोग 50 बंदों के अंडर रहेगा 2-2.5 राउंड तक, उसके बाद आप लोग दिखाइएगा अपना स्पीड, आप लोगों को 1.5 राउंड में जो आखिरी के होता है ना उसमें ही आप लोगों को दिखाना है अपने स्पीड जो भी है, कम से कम 20 बंदों के अंदर आना है, और 20 बंदे तो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, 20 से 30 बंदे तो मेरे वाले में करीबन 25-27 बंदे पकड़े होंगे, मैंने नहीं गिना, या उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं एकदम, ऐसे ही था। फिर उसके बाद हम जब दौड़ हुई उसके बाद हम लोग को जहाँ पर भेजा गया ना वहाँ पर मैं कैसे कैसे पहुँचा, और उसके बाद जहाँ पहुँचा ना उसके बाद मैं इस तरह से बैठ गया लेट गया कि जो हम लोगों के बाद वाले थे ना दौड़ने वाले उसमें मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उस राउंड को देख ही नहीं पाया, मतलब उस टाइम इतनी ज़्यादा एनर्जी मेरी लॉस्ट हो गई थी, हाथ पर कुछ भी चल नहीं रहा था, बस एक जगह पर बैठ गया, एक जगह को देखते ही रहा, मतलब कुछ देख ही नहीं पाया 10 मिनट तक। उसके बाद वहाँ पर फौजी भाइयों ने भी बोला कि तू तो 2 राउंड में पहले था, कैसे नहीं हुआ, तो बहुत अच्छा दौड़ा, क्योंकि मैं दूसरे नंबर पर था, सभी की नज़र थी मुझ पर कि ये बंदा मारेगा ही मारेगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को फिर वहाँ पर बैग लेने के लिए भेजा, फिर बाहर कर दिया गया, और फिर हम लोग बाहर आ गए, बस तो इतना ही था जो पूरा प्रोसेस था। आप लोग को वहाँ पर घबराने
बहुत लोग मैंने ऐसे देखा जो भीड़ देखकर ही डर जा रहे थे, वो भीड़ नहीं वो कचरा है कचरा, अगर आपने मेहनत की है तो। उसमें से अब तो 50 बंदे बहुत अच्छे रहते हैं आपके लेवल के, उनको ही काटना है। तो अगर आप लोगों की रैली है तो मेरी तरफ से यार ऑल द बेस्ट, अच्छे से जाना। और मैं बता दूं, जो लोग इसके बाद जो पढ़ना चाहते हैं, चौहान जो मुकेश चौहान सर हैं उनके यहाँ ही पढ़ सकते हैं। हम लोग जब पहुँचे थे स्टेशन के पास तो हम लोग यही होटल में रुकना चाहते थे, मतलब लॉज में, तो वहाँ पर कोई भी हमें अवेलेबल नहीं था। जो था वो लोग, हम 8 लोग थे, उसके लिए 2,000 रुपये मांग रहे थे, तो हमने उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, मतलब नहीं लिए। 2-3 महीने देखे, उसके बाद आइडिया आया कि यहाँ पर चौहान सर की एकेडमी है, तो हम लोगों ने एक बार कॉल करके पूछा, तो वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ एकेडमी। फिर हम लोग उनके एकेडमी चले गए, फिर उन्होंने हमें रूम दिया, 2 रूम दिए 8 लोगों को, चार चार के हिसाब से। उसमें बाथरूम वाथरूम सभी का व्यवस्था भी था, मस्त था वो ये। और उसमें वो बहुत अच्छे से गुठिया है, मतलब कि उनका यूट्यूब भी चैनल है, डिफेंस एकेडमी भिलाई करके, आप लोग देख सकते हैं। और वहाँ पर जो पढ़ाई होती थी वो हमने थोड़ा देखा बाहर से, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, बहुत क्लासेस 5-6 क्लासेस से ज़्यादा बहुत लोग पढ़ने भी आ रहे थे, और उनके एकेडमी के बहुत लोगों ने निकाला भी था। और फिर रात को उन लोगों, मतलब सर नहीं, ऑटो बुलाया हम लोगों के लिए, हमने बोला था कि हम सुबह जाएंगे, उन्होंने 11 बजे बुला दिया था। फिर हम लोग 11 बजे तैयार हुए, वहाँ पर गए। लेकिन मेरे हिसाब से तो 11 बजे जाना कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब आप लोग 12:30-1 बजे ही अंदर घुसिए, मेरे हिसाब से लास्ट वाले में ही। शुरू में घुसेंगे फिर 2-3 घंटे जल्दी, उतने में और ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है। और 2-3 घंटे पहले में आप लोग, ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे बाद दौड़ाएंगे, आप लोग को आधा घंटा के अंदर दौड़ा ही देंगे उन लोगों से। तो मेरे हिसाब से तो आखिर में ही जाइए, उस टाइम थोड़ा धूप वूप निकल ला तो नहीं होगा, लेकिन तब भी आप लोग बहुत सारे लोगों को दौड़ते हुए देख पाएंगे, उन लोगों को कैसे कैसे हो रहे हैं, कितने लोग लग रहे हैं उससे। और आप लोगों को ज़्यादा टाइम इधर उधर भी नहीं करना पड़ेगा, तो आखिरी में ही सही है। या फिर सबसे जो ज़्यादा लेते हैं बंदे वो पहले में ही लेते हैं, करीबन पहले जो पहला भी जो ग्रुप था ना उसमें से करीबन लिए थे 37 बंदे। उसके बाद जो दूसरा था ना उसमें लिया था कुछ वही 34-35, फिर जो तीसरा था ना उसमें लिया था 25, फिर चौथा में तो 30 से भी कम हो गया था, और पांचवा में तो वही 25-26 बंदे। तो ऐसे अरे कम होते होते जाते हैं। अगर आपको जाना है तो एकदम पहले चले जाइए, कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट टाइम की पहले ग्रुप में अगर आप लोग आ सकते हैं तो, क्योंकि पहले ग्रुप में बहुत ज़्यादा बंदे लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी टाइमिंग देते हैं, उसमें आपका जो लगने का चांस होगा ना वो भी बढ़ जाएगा। और जो मैंने कहा जब आपको मैदान में ले जाया जा रहा हो उस टाइम आपको फास्ट भागना है, मतलब मैदान में ले जाया होगा जा रहा होगा तब, और वहाँ पर मैदान में जो लाइन लगती वहाँ पर आप लोग पहले लाइन में लगेंगे, जो पहला लाइन होता है उन्हें ही पहले ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप मैदान में पहुँच गए तो दूसरा तीसरा लाइन में लग जाइए, जो पहले पहले तरफ कि सभी लाइन को एक साथ मतलब बोलेंगे जाओ कर लगो, ऐसा नहीं कि जो पहला लाइन होता है ना पूरा, अगर आप पहले लाइन के 30-40वें नंबर पर भी हैं तो भी आप पहले ही जाएंगे उस लाइन पूरा पहले। अगर आप दूसरे लाइन के भी पहले में बंदे तो आपको उन लाइन के बाद, समझ गए ना। तो बस यही, मैदान में जब आप लोग जा रहे हो उस टाइम आपको जोर लगाना है, ऐसा नहीं कि जब मैदान में बैठे हो कि जब बोले इनके कि गो तब हमको जाना है कि वहां पर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और मेरे हिसाब से आप लोगों का जोर मेन होता है ना डाइट, रात का खाना ही आप लोग कुछ, मतलब शाम के 5-6 बजे खाना खाने से 1 घंटे करीबन पहले अच्छे से नाश्ता कर लीजिएगा, और अच्छे से जो भी आपके पास पड़ोस में जो भी खाने की चीज़ें हैं उन जितना ज़्यादा ताकत दिला सके वो लोग वो खा लीजिएगा रात में ही, शाम में।
उसके बाद आप लोग करीबन 6 बजे का खाना खा लीजिएगा, 6 बजे उसके बाद आप लोग सो जाएगा अगर आपको सोने का टाइम मिले तो। अगर आप लोग कुछ बुकिंग किए हो वहाँ पर होटल मिलता है, मतलब कि सरकारी वाला रहने के लिए कोई कॉलेज स्कूल है उसे खोला गया है, लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं गए थे। खाना भी वहाँ पर फ्री दिया जा रहा था। और मैं बता दे रहा हूँ, यह एडमिट कार्ड आप लोग इसमें, यहाँ पर फोटो चिपका होता है, यहाँ पर आपको फोटो चिपकाना है और यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिखना है इस तरह से, आधा फोटो में और आधा इसमें बाहर। और यहाँ पर जो तीन होता है, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का आपका नाम होता है, इसे आप लोग भर के जाइए कह रहा हूँ वहाँ पर अंदर जाने से पहले। और ये यहाँ पर होता है प्लेस, मतलब प्लेस में आप लोगों को दुर्गा डाल देना है। और ये आप लोगों को डेट, आप लोग जिस दिन दौड़ रहे होंगे वो डेट डाल दीजिएगा। मतलब इतना सब करने के बाद आप लोगों को जाना है अंदर, फोटो चिपका लीजिएगा आधे में और नाम, और आधे से बाहर नाम फोटो की। यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम, प्लेस, दुर्ग, और यहाँ पर जो होता है ना दिन आप लोग डाल लीजिएगा जिस दिन आप लोग की रैली है। और आप लोगों को मैंने बोला था कि रनिंग से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो रनिंग से पहले आप लोगों को लगता है सिर्फ यही, वो भी कब, जिस टाइम आप लोग घुसेंगे जो पहला गेट होता है वहां पर, उस टाइम आप लोगों को इसे पकड़ के जाना है, बस इसे ही, बहुत ज्यादा चीज पकड़ के नहीं जाना है। इस तरह से आप लोग पकड़ के जाना है, वहां पर चेक भी नहीं होगा। फिर वहां पर आप जब अंदर घुसेंगे तो अंदर और भाई होंगे जो ऐसे चेक करेंगे, वो लोग ये चेक करेंगे आप लोगों को पूरे एडमिट कार्ड में क्या झोल झाल है वो नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेट चेक करेंगे, डेट एंड टाइम की आज ही का है ना, आज ही का होगा ऐसे देखेंगे और ऐसे फिर वहां पर भेज देंगे। उसके बाद आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज होता है, एससी एसटी ओबीसी का जिस भी कैटेगरी में आप लोग हैं उस हिसाब से आप लोगों का यह लगता है, एससी वाले इसमें जाओ, एसटी वाले इसमें, ओबीसी वाले इसमें, इस तरह से भेजा जाता है। क्योंकि वहां पर जो हाइट चेक करने से जो पहले होता है ना वहीं पर वो लोग, क्योंकि जो ये होते हैं आदिवासी वाले उन लोगों की हाइट कम लेती है तो उन लोगों के लिए थोड़ा कम किया जाता है, हम लोग ये थोड़ा ज़्यादा। फिर भी आपको कि इन लोगों की 69 होगी हाइट तब भी आ जाएगी। और उसके बाद जो ये होता है ना, हाइट नापने के बाद मैं बता दे रहा हूँ, हाइट जब नपेगी उसके बाद जब आगे जाओगे तो यहाँ पर स्कैन किया जाएगा, स्कैन, इसे स्कैन किया जाता है और फिर यहाँ पर वो लोग सही टिक लगा देते हैं। उसके बाद आप लोग अपना एडमिट कार्ड धरना है और बैग में चुपचाप पड़े देना है। उसके बाद आप लोग जहाँ पर आप लोग को वही सही का साइन लग जाएगा ना, जब आप हाइट नाप हो जाएगा उसके बाद एक घंटा भी काम नहीं आने वाला सही में। वो लोग बोलेंगे चिक चिक कर चिल्ला चिल्ला करके, आप जितने भी डॉक्यूमेंट हो कर लीजिए बैग में कर लीजिए। और उससे पहले भी कोई डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड भी कुछ भी, आप लोगों का एफिडेविट कुछ भी नहीं निकालना है, सिर्फ इसी को ही पकड़ लेना है, वहां पर ही काम आता है। उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद कहीं पर भी काम नहीं आ जाता। आप लोग जब रनिंग निकलेगा उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसी टाइम आप लोगों का ये काम आएगा। और आप लोगों का रनिंग नहीं निकला तो कभी काम नहीं आएगा। उसके बाद और जो होता है ग्लूकोज टाइप होता है उसे आप लोग पकड़ लीजिएगा पानी के साथ थोड़ा एनर्जी के लिए, जिसे आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक दो घूंट पीते रहिएगा। और ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा खा लेना है यार, मतलब रनिंग से पहले बहुत कम खाना, मान लो ये कई बार बोल चुका हूँ। तो चलिए, और जो थे मुकेश चौहान सर, उन्होंने वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें अपने एकेडमी में रहने के लिए जगह दी, वो भी मुफ्त में, कोई यही नहीं किया, बहुत अच्छे से बातचीत किए हूँ। तो बस यही था मेरा नहीं हो पाया 4-5 सेकंड ही मेरा जो है, अगर वही 3-4 सेकंड ही मैं पहले पहुँच जाता तो हो गया था मेरा दूसरे ग्रुप में हमारे गांव से, लेकिन 2 बंदे पकड़े गए और 4-5 बंदे नहीं पकड़े गए, मतलब जो नहीं कर पाए।
हम दो लोग थे, जो 4-5 सेकंड टाइम मिलता ना तो दो लोग और आ जा सकते थे हमारे गांव से, लेकिन वो नहीं हुआ। तो नहीं हुआ यार, कोई बहाना वहाना नहीं मारूंगा मैं। तो चलिए अब देखते हैं, अब नेक्स्ट फिर अगली बार, अभी SSC GD का टाइम है तो अब मैं सोच रहा हूँ उसकी तैयारी करूँगा। तो बस फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही मतलब जो भी कुछ नया अपडेट रहना हो किसी भी एजेंसी के थ्रू, तो चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिए, वरना आपकी मर्जी।